अस्सलाम वालेकुम क्लास। का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंटरनेशनल ट्रेड। हम देखते हैं जी पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, या वह नेशन ट्रेड्स कि मुल्क ट्रेड क्यों करती है। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि ट्रेड क्या है। ट्रेड है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, या ट्रेड बेसिकली हम कहते हैं जी द ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक हो गया। कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर हो जाती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ट्रांसफर, उसको हम ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड में दो चीजें होती है कि इम्पोर्ट है एक एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट क्या है जी? एक्सपोर्ट जब हम जब करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज सेल टू फॉरन, कि हम एक फॉरन कंट्री को अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। ठीक है। वो जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ योर होम कंट्री। जब हम इम्पोर्ट, इसे कहते हैं जी इम्पोर्ट बाई अ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, फॉरन कंट्री। क्योंकि जब किसी गुड को हम फॉरन कंट्री से बाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट्स। ठीक हो गया। उसमें एक ये भी कंसेप्ट है जी ट्रेड डेफिसिट क्या है, उसको हम बाद में एंड पे जाके देखते हैं जी। सबसे पहले बात हम करते हैं जी वह ट्रेड नेशंस ट्रेड के, नेशन क्यों ट्रेड करते हैं। उसमें ये है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। अब ये जो हम ये हमें बात की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक हो गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां भी क्या है जी नेचुरल रिसोर्स है, मतलब वो जराई ममालिक हैं। ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मतलब नेचुरल रिसोर्स मदनियात वगैरह हैं। ठीक है। अब हर कंट्री जिसके अंदर जो फैक्टर एवलेंट है, मतलब बहुत ज्यादा वाफर मकदार के अंदर है, उस कंट्री ने उसी चीज में ही प्रोडक्शन करनी है। ठीक है। उस चीज में प्रोडक्शन करके क्या करेगी, वो दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर देगी, और जो चीजें उनको रिक्वायर्ड है, उनकी नीड्स हैं, डिजायर्ड, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लेगी। ठीक है। उससे क्या होगा, उनको जो नेट गेन है, बेनिफिट्स है, कंट्रीज का ज्यादा होगा। ठीक है। ये एक रिकॉर्डियन थ्योरी थी, रिकॉर्डो ने ये बात की थी कंट्रीज को चाहिए कि वो कंपैरेटिव एडवांटेजेस की बेस के ऊपर क्या करें, ट्रेड करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उससे क्या होगा, वो कंट्रीज ज्यादा गेन करेगी। उसके बाद ये अपना जो कि हमारे एडम स्मिथ थे, जो कि इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उनने भी अपनी एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था जी कंट्रीज क्या करें, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस, कि वो जिस चीज के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेजेस रखती हैं, जिस जो बात हो रही है यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो उनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर लैंड है, या उनके पास लेबर वाफर मकदार में है, तो उसी चीज के अंदर ही प्रोडक्शन करें। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है, अच्छा इसमें हम बात करें ह्यूमन कैपिटल इज मोर स्किल्ड इन नेशन विद हाई लिटरेसी रेट। अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे बात की गई ह्यूमन कैपिटल। हम ये क्लास में काफी दफा ये टर्म डिस्कस कर चुके हैं जी, व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का नाम है, कि एक पर्सन ऐसा हो, इंसानी सरमाया है, जिसके पास हेल्थ भी हो, एजुकेशन भी, और टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड पर्सन हो। ठीक। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनका अपना लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वहां पे टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। अगर हम पाकिस्तान की लिटरेसी रेट की बात करते हैं जी, हमारा क्या है, अभी तक 2020 का इकोनॉमिक सर्वे है, जो कि हमारी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट है जी, पाकिस्तान का 57% लिटरेसी रेट। अब अगर हम बात करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन करते हैं चाहते हैं, तो पाकिस्तान को उसमें कंपैरेटिव नॉट एंड एब्सोल्युटली एडवांटेज नहीं है। क्यों? पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हाँ पाकिस्तान उस चीज में प्रोडक्शन करेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी।
ठीक है, या उसका पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, ठीक। तो पाकिस्तान बच्चे किस सेक्टर में प्रोडक्शन करे और एक्सपोर्ट करे, पाकिस्तान के पास अगर एग्रीकल्चर है तो ज़राअत के अंदर वो क्या करे, प्रोडक्शन करे, फिर उसको प्रोसेसिंग है उसको एक्सपोर्ट करे। अगर ये फिजिकल कैपिटल इज डीपर इज सम नेशंस, वो कैपिटल जो सरमाया है वो ना होना भी जरूरी है, जिस तरह ह्यूमन कैपिटल की बात की है, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, डीपर इन सम नेशन, बेटर मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर। अब कुछ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, यहाँ पर ना कोई बेटर मशीनरी है ना ही हमारे पास कोई बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, ना ही अच्छे रोड्स हैं, मोटरवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हो गया, ठीक है, ना अच्छे ब्रिजेज हैं, ना सी पोर्ट्स हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिनमें सब चीजें बेहतर है जो कि डेवलप्ड नेशन। अगर जी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये भाई नेचुरली या जो दुनिया की वर्ल्ड की एक हम अगर मैप को देखते हैं, जो हमारे रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ के पास बहुत कम। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इनकरेज नेशन टू स्पेशलाइज, कि वो क्या करते हैं, कंट्रीज को स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, जिस गुड के अंदर, जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर उनके पास ज्यादा है, वो कंट्री उसी चीज के अंदर स्पेशलाइज करें और उसी के अंदर ही प्रोडक्शन को ज्यादा करें। ऑल्सो सम कंट्री कुड बी सेल्फ सफिशिएंट, इट इज टू देयर एडवांटेज टू स्पेशलाइज। व्हाई? एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, जो मैं आपको बात कर रहा था अभी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की बात। अब जो एब्सोल्यूट एडवांटेज का कंसेप्ट है ये एडम स्मिथ ने दिया था, जबकि कंपैरेटिव एडवांटेज का है तो ये रिकॉर्डियन थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड की रिकॉर्डो थे उन्होंने ये कंसेप्ट। एब्सोल्यूट एडवांटेज, व्हेन वन नेशन कैन प्रोड्यूस अ गुड एट द लोअर कॉस्ट देन द अदर, ठीक। अब क्या है, एक कंट्री एक चीज की प्रोडक्शन में, तो लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर है, ज़राअत, ठीक है, तो एग्रीकल्चर ज़राअत एब्सोल्यूट एडवांटेजेस है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज लाइक हम कहते हैं, जिगर का पाकिस्तान कपड़े की प्रोडक्शन करते हैं, कॉटन की करता है, तो पाकिस्तान को उसमें एडवांटेज है लो कॉस्ट, क्यों, किस ज़राई ममालिक है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं लाइक जापान की हम बात करते हैं, हम कहते हैं उसमें टेक्नोलॉजी है, एक इंडस्ट्रियल मुल्क, अगर वो यही चीज प्रोडक्शन करे तो उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, क्यों, ये उसके पास उस चीज के अंदर एफिशिएंट नहीं है या उनको स्पेशलाइजेशन नहीं, तो वो कहते हैं जो उस कंट्री को जिस चीज की लो कॉस्ट पड़ती है उसी चीज के अंदर ही प्रोडक्शन है। आगे जी कंसेप्ट कंपैरेटिव एडवांटेज, द एबिलिटी फॉर अ नेशन टू प्रोड्यूस एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हेन वी चूज अ बेस्ट अल्टरनेटिव टू फॉरगोइंग अनदर, कि वो कंट्री क्या करें जो उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो, दूसरे को फॉरगोन कर दें, जो कि अदर नेशन वो उस चीज में प्रोडक्शन करे और जिनको अपॉर्चुनिटी है कि उसके अंदर बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो बेहतर करें। लाइक हम पाकिस्तान और किसी अदर कंट्री की एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कहते हैं अदर कंट्री वो अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या चीज करे किसी मैनुफेक्चरिंग गुड्स के अंदर, लाइक मशीनरी के अंदर, लाइक कोई इंजन बनाए। अब पाकिस्तान को किस चीज में कंपैरेटिवली एडवांटेज, एक तो इसको लो कास्ट पड़ रही है क्योंकि ये एग्रेरियन मुल्क है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी इसको इसको मौका है कि अगर वो अपनी जरात को बेहतर करते हैं, उससे ज्यादा रॉ मटेरियल लेते हैं, उसकी टेक्सटाइल भी बेहतर होगी, उसका जो हमारा शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है वो भी बेहतर होगी, उसके बाद हमारे जो वीट प्रोसेसिंग ये फ्लोर मिल रहे हैं वो भी प्रोडक्शन ज्यादा करें, हम इन चीजों को एक्सपोर्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। द नेशन विच द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट शुड स्पेशलाइजेशन इन दैट प्रोडक्ट, कि वो कंट्री किस में पर स्पेशलाइजेशन करें जिसके अंदर उन कंट्री की लो कॉस्ट, नोन एज द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इस चीज को हम क्या कहते हैं, जी लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब जी बात ये इंटरनेशनल ट्रेड लार्जेस्ट, मतलब हम कहते हैं जी इम्पोर्टर भी है एक्सपोर्टर भी है, इम्पोर्टर एंड वन ऑफ द टॉप थ्री एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स जर्मनी एंड चाइना, ठीक है, ये अगर दुनिया के लार्जेस्ट थ्री कंट्रीज हैं यूएसए जर्मनी एंड चाइना, उनमें कि यूएसए इंपोर्टर भी है एक्सपोर्टर भी। द यूएस एक्सपोर्टर, यूएसए इज अमंग द टॉप थ्री एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, लिव्स विद जर्मनी एंड चाइना, चाइना क्रॉन डेट सिंस 2009।
अब जो मतलब उन्होंने बात की चाइना जो है ना अब लीड कर रहा है एक्सपोर्ट्स के अंदर, सबसे ज्यादा चाइना की एक्सपोर्ट हो रही है। यूएसए वी आर आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन टोटल, वी इंपोर्ट मोर देन वी एक्सपोर्ट, ठीक है, वी हैव अ ट्रेड डेफिसिट। अब यहाँ पे बात हो रही है इन टोटल वी इंपोर्ट मोर देन वी एक्सपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा, जिसको हम खसारा कहेंगे कि हमारा जो ट्रेड है हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं खसारे के अंदर। और जब ये हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा तो इट मीन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, मैंने आप लोगों की फिजिकल क्लास में चीज बताई थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा अकाउंट होता है जी करंट अकाउंट, जिसमें हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का बैलेंस चेक कर रहे होते हैं कि कितनी किस कंट्री ने बिलियन या मिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट्स किए कितनी इम्पोर्ट्स, अगर उनका बैलेंस सरप्लस के अंदर है तो इट मीन हमारा ट्रेड क्या है सरप्लस के अंदर, अगर नेगेटिव साइन है नेगेटिव वैल्यू तो इट मीन हमारा ट्रेड क्या है डेफिसिट के अंदर है खसारे के अंदर। आगे ट्रेड ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड हैज कॉज्ड मेनी चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन द एम्प्लॉयमेंट। अब क्या जो ट्रेड है रोजगार के मौके भी देता है। अब पीछे हमने बात की कि ट्रेड क्या है, जो हमारा टॉपिक है ये ट्रेड, ट्रेड बेसिकली क्या है जी ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम कोई गुड कर रहे हैं, ठीक। फिर हमारे पास ट्रेड में दो चीजें हैं, वो कहते हैं कंट्रीज क्यों ट्रेड करते हैं, क्यों करना चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मसला है कि तमाम कंट्रीज के पास हर चीज अवेलेबल नहीं है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, कि कुछ कंट्री चाहते ग्रैरिन कंट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री हैं, किसी कंट्रीज के पास ऑयल पेट्रोलियम मसनूआ ज्यादा है, तो तमाम मालिक को जिन जिन चीजों की जरूरत है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो चीज उनके पास एविडेंट रिसोर्स है मतलब ज्यादा वाफे रिसोर्स है उस चीज के अंदर प्रोडक्शन करें, स्पेशलाइजेशन करें। हाँ क्यों स्पेशलाइजेशन करें, क्यों प्रोडक्शन, क्यों उनको लो कास्ट में वो चीज पड़ेगी, जब वो फॉरेन में उस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको उनके जो अर्निंग होगी प्रॉफिट होगी वो ज्यादा, ठीक होगी। और उसके बाद अब जो हम बात करेंगे ट्रेड सिर्फ हमारी अर्निंग को नहीं बढ़ेगी, लो कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं बल्कि क्या करें इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रोजगार के मौके भी जनरेट करें। International has trade has caused many changes and trends in employment due to comparative advantage. Worker need to gain certain skill to a specific skill hasil karte in order to find employment. Wo rozgar talab jisko unko easily job mil jati. Aage ji hamare paas hai trade barriers and agreements. ठीक है, अब ये ट्रेड हमने जी ट्रेड स्टार्ट कर दिया, ट्रेड में देखा जी ट्रेड से हमें क्या है लो कॉस्ट पे गुड्स अवेल हो सकते, वो कहते हैं कि अगर फिर हमें ट्रेड के ऊपर कुछ ना कुछ बैरियर्स भी लगाने इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। ये हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट जी फ्री ट्रेड, मैनी पीपल आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। कुछ कंट्रीज क्या करते हैं फ्री ट्रेड कर देते हैं, मैंने पीपल आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, दिस इज नोन एज अ प्रोटेक्शनिज्म। कुछ कंट्रीज ऐसा करते हैं जी वो ट्रेड के ऊपर बैरियर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जी फॉरेन कंपटीशन से भी बच जाती हैं और दूसरा के अपनी जो कंट्री की जॉब वगैरह का स्कोर करते हैं। मैनी नेशन सेट अप ट्रेड बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, कुछ कंट्रीज क्या होते हैं बैरियर्स लगा देते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ट्रेड नहीं करना है। आगे ये चीज मजीद आप क्लियर होगी ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट फॉरेन प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम फ्रीली इंटरिंग टू नेशन ट्रेजरी। क्या जो फॉरेन का प्रोडक्ट है कंट्रीज के ऊपर बैरियर लगा देते हैं कि ना ही इम्पोर्ट होगा ना ही हमारी जो होगी होम या डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होगी वो हट होगी, जो हमारी लोकल या नेशनल इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या करते हैं कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हम इम्पोर्ट ना करें अदर कंट्रीज। इम्पोर्ट कोटास लिमिट्स ऑन द अमाउंट दैट कैन बी इम्पोर्टेड, क्या इम्पोर्ट कोटा, कुछ कंट्रीज ऐसा भी करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं
ट्रेड बैरियर्स एंड एग्रीमेंट्स, क्योंकि उसके ऊपर कोटा लगा देते हैं, सब स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर हमने फॉरन से कोई चीज इम्पोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो उसके ऊपर हम टैक्सेस टैरिफ वगैरह लगा देते हैं। वो क्या होते हैं बेसिकली, हमारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं, वो लैंड्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, सेल्फ इम्पोज एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट अपोज टू अवॉइड इम्पोर्ट कोटास। ठीक है, कुछ कंट्रीज क्या करते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट लगा देती हैं कंट्रीज अपनी तरफ से, कि क्या कंट्री ज्यादा बैर को ना भेजें, अगर वो सस्ता प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो अपने मुल्क को ही दे, ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, आगे ये फिर एक और ट्रेड बैरियर है टैरिफ टैक्स। अब जो टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा किसके ऊपर, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। अब जब टैक्स नहीं होगा वो फ्री ट्रेड होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, फॉरेन कमोडिटी को इम्पोर्ट करेंगे। जब हम उनके ऊपर बैरियर लगा देते हैं कि फलां अगर कोई पर्सन है कोई गुड इम्पोर्ट कर तो उसके ऊपर इतना कस्टम ड्यूटी होगा, यूज टू इनकरेज परचेजिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो हमारा बेसिक मकसद है वो क्या है कि लोग हमारी बेसिक इंडस्ट्री को फोकस करें, जो कि हमारी होम या लोकल इंडस्ट्री प्रोडक्शन करें, वहां से परचेज करें, इसलिए हम ट्रेड के ऊपर बैरियर भी लगा देते हैं। अदर ट्रेड बैरियर, लाइसेंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, एक और बैरियर है कि जब हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करते हैं स्पेसिफिक कंपनीज को लाइसेंस दे देती है और उनको स्पेसिफिक कोटा दे देती है कि आपने इनके तहत कोई चीज इम्पोर्ट करनी है। ठीक है, अगर वो फ्री ट्रेड कर दें तो फ्री ट्रेड से क्या होगा, हम लोग कहेंगे जी हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ही परचेज करना है जो कि अदर कंट्रीज, उससे क्या होगा हमारा करंट अकाउंट भी डेफिसिट होगा और मुल्क के अंदर इम्पोर्ट ज्यादा होंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा मुल्क की अपनी होम डोमेस्टिक इंडस्ट्री हार्ट। अगेन इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड बैरियर, अब जो है वो कहते हैं कि ट्रेड बैरियर्स के क्या क्या असरात हो सकते हैं, इंक्रीज्ड प्राइस फॉर फॉरेन गुड्स, ट्रेड वार्स व्हेन कंट्री इंस्टीट्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑन ईच अदर। ठीक है, यूजुअली लीड टू पुअर ट्रेड फॉर बोथ कंट्रीज, क्या जब हम उस यूजुअली लीड टू पुअर ट्रेड फॉर बोथ कंट्रीज। आगे आर्गुमेंट फॉर प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्ट जॉब, प्रोटेक्ट इनफाइनेट इंडस्ट्री, जो कि आप लोगों के मुल्क की अपनी इंडस्ट्री है, प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, या हमारे आर्गुमेंट्स हैं अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म, कि जब हम ट्रेड के ऊपर बैरियर लगा देते हैं उससे क्या होते हैं तो हमारे जो जॉब्स होती हैं वो सिक्योर होती है, इनफाइनेट इंडस्ट्री सिक्योर होती है, इसके साथ हमारे क्या है प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट। आगे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, रिसेंट ट्रेड आर इंपरिंग फ्री ट्रेड बाय राइजिंग लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स, इनकरेज वर्ल्ड पीस, प्रमोट कंपटीशन, इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोऑपरेशन अप टू आर मोर कंट्रीज टू रिसोर्स रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। आगे जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, आगे फिर आपको साथ में इधर देख रहा नजर आ रहा है स्क्रीन पे GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और ये फॉरेन 1948 ये एक एग्रीमेंट है। उसके बाद जो WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन हूज गोल इज फ्रीर ग्लोबल ट्रेड एंड लोअर टैरिफ्स, फाउंडेड इन 1995 टू इंश्योर गैप, ये जो हमारे एग्रीमेंट था इसको इंश्योर करने के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। एक्ट एज अ रेफरी फॉर ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं मतलब मालिक ये कंट्रीज के यही प्लान करते हैं। अब ये फ्री ट्रेड जोन एरिया एस्टैब्लिश बाय कंट्री टू रिड्यूस टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्री ट्रेड को हमारा मतलब जोन बनाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। एक यूरोपियन यूनियन है, एक NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको भी यूरोपियन यूनियन क्या है, ये रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेड अप 27 मेंबर ऑफ नेशन एसेंशियली डेवलप्ड अ सिंगल मार्केट EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन यूरोप, गोल इज टू क्रिएट अ सिंगल इकोनॉमी दैट रिवील्ड टू यू द US। Currently, the largest trading partner of the USA, Canada, and Mexico are the next. यानी कि उन्होंने अपने एक यूनियन बना ली थी यूरोपियन, जिसमें 27 कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया कि हम लोगों ने आपस में फ्री ट्रेड करना है, कि हमने दुनिया के अंदर अपने बहुत बड़ा सेटअप बनाना है,
जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे नेफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो क्रिएटेड टू एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स एंड बैरियर इन द रीजन कैनेडा मैक्सिको यूएस, रेटिफाइड इन 1994। ऑल्दो देयर हैज बीन मच कंट्रोवर्सी, नेफ्टा हैज इंक्रीज ट्रेड बिटवीन द थ्री नेशन, ये तीन कंट्रीज का था, कनाडा, मैक्सिको एंड यूके का ट्रेड एग्रीमेंट। आगे मेजरिंग ट्रेड, ट्रेड को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट के थ्रू। वैल्यू ऑफ फॉरेन नेशन करेंसी इन टर्म ऑफ द होम नेशन करेंसी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट ऑन डेली बेसिस विद द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ नेशन करेंसी। जो आप लोग सुन रहे हैं एक्सचेंज रेट के से बेसिकली क्या है जी, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, कि एक करेंसी जिस तरह हम पाकिस्तान रुपीज और डॉलर की बात करते हैं जी, 106 रुपए का डॉलर हो गया और पाकिस्तान एक डॉलर और इधर से पाकिस्तान 106 रुपए, ये क्या बेसिकली एक्सचेंज रेट। अब जिस मुल्क की एक्सपोर्ट ज्यादा होती हैं ठीक है, उस मुल्क का क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर आते हैं और उसकी जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो बेहतर होता है, और ये डेली बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएट करता है। बेस एंड सप्लाई एंड डिमांड फॉर करेंसी, ठीक है, क्योंकि उस मुल्क की करेंसी की कितनी सप्लाई एंड स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, क्या आपके मुल्क की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। व्हेन अ करेंसी एप्रिशिएट एक्सपोर्ट डिक्लाइन, ठीक है, करेंसी कब आप लोग के एप्रिशिएट, व्हेन अ करेंसी एप्रिशिएट्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन, प्रोडक्ट आर मोर एक्सपेंसिव, जबकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, क्या आप लोगों की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होकर जाती है, व्हेन अ करेंसी डेप्रिसिएट, करेंसी कब डेप्रिसिएट होती है, एक्सपोर्ट राइजेस, कि आप लोगों के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बिकम अच्छी, पर आप लोगों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, कम उसकी वैल्यू होती है, ज्यादा नहीं होती। बेसिकली क्या एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन करेंसी दो कंसेप्ट है, एप्रिसिएशन कैन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन क्या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, के आपकी करेंसी की वैल्यू में कमी आ जाने को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, करेंसी की वैल्यू को बढ़ जाने या बेहतर हो जाने डेप्रिसिएशन। आगे एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, सिस्टम गवर्नमेंट ट्राई टू कीप देयर करेंसी कांस्टेंट विद अनदर नोइंग एज पेगिंग करेंसी चाइना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड एंड इट फ्लक्चुएट्स यूज्ड बाय द मोस्ट मेजर करेंसीज टुडे, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या, हमारा एक्सचेंज रेट जो आता है उसकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसके अगेंस्ट ही एक्सचेंज रेट घूम रहा होता है, जबकि फ्लेक्सिबल में क्या होता है, वो डिटरमाइंड डेली बेसिस पे चेंज और सप्लाई एंड डिमांड के साथ मार्केट फोर्सेस डिटरमाइंड कर रहे होते हैं एक्सचेंज रेट। आगे लास्ट स्लाइड हमारे पास जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड सपोर्ट्स ट्रेड, सॉरी ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट मोर देन यू इंपोर्ट्स। ट्रेड सरप्लस क्या है, जब हम लोग मोर एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट्स हमारे पास कम, उस चीज को ट्रेड सरप्लस कहते हैं। आगे जी ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट मोर देन यू एक्सपोर्ट, ये हमारे क्या है, इम्पोर्ट्स ज्यादा हूँ और एक्सपोर्ट्स कम हूँ, तो हम लोग ट्रेड डेफिसिट हो गया। आगे क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हमारा आज का लेक्चर था, टॉपिक था, अगर इस चीज में किसी चीज की प्रॉब्लम हो तो टेक्स्ट कीजिए।